लोकसभा चुनाव 2024 में पांचवें चरण की वोटिंग हो चुकी है। कुल 428 सीटों पर कैंडिडेट के जीत हार का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल है, जिसमें उनके हाथ में एक लाल रंग की किताब है। कहा जा रहा है कि राहुल के हाथ में वो किताब चीन का संविधान है। यूजर्स अपने दावे के साथ तर्क दे रहे हैं कि भारत का संविधान नीले रंग का होता है, इसलिए राहुल के हाथ में लाल रंग की किताब चीन का संविधान है। राहुल के हाथ में चीन का संविधान है या भारत का, इस बहस की शुरुआत हुई असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के एक ट्वीट से। उन्होंने 17 मई को एक ट्वीट किया जिसमें भारत के संविधान की एक कॉपी है और राहुल गांधी की किताब हाथ में लिए एक फ़ोटो है। शर्मा ने ट्वीट के साथ कैप्शन में लिखा, भारत के ओरिजिनल संविधान की कॉपी नीले रंग की है, चीन के ओरिजिनल संविधान की कॉपी लाल रंग की है। क्या राहुल गांधी अपने हाथ में चीन का संविधान लिए हुए हैं? हमें इसकी जाँच करनी होगी। हेमंता शर्मा के इस ट्वीट के बाद कई यूजर्स ने इसी दावे को आगे बढ़ाया। फेसबुक पर अनुपम शर्मा नाम के एक यूज़र ने वायरल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, क्या राहुल गांधी चीन का संविधान लेकर चलते हैं? भारत के संविधान का कवर नीला है, चीन के संविधान का कवर लाल है, राहुल गांधी के हाथ में लाल कवर वाला संविधान है। तो अब समझते हैं कि राहुल गांधी क्या वाकई सार्वजनिक मंचों पर चीन का संविधान हाथ में लिए हैं। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने राहुल गांधी की हाथ में किताब लिए हुई तस्वीर को रिवर्स सर्च किया। कई मीडिया रिपोर्ट और न्यूज़ एजेंसी फोटो आर्काइव में राहुल गांधी की वायरल तस्वीर मिली। यहां दी गई जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की यह तस्वीर तेलंगाना के गढ़वाल में 5 मई को हुई एक रैली की है। राहुल गांधी की इस रैली का वीडियो हमें यूट्यूब चैनल पर मिला, जहां करीब 27 मिनट 54 सेकंड पर वे किताब को हाथ में लेकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। उस किताब पर भारत का संविधान लिखा है। राहुल गांधी संविधान की किताब हाथ में लेकर जनता के समक्ष इसकी महत्ता बता रहे हैं। राहुल गांधी इसके अलावा कई अन्य रैलियों में भी यह किताब अपने हाथ में लिए नजर आ रहे हैं। यहां भी देखने पर स्पष्ट है कि उनके हाथ में नजर आ रही किताब भारत के संविधान की है। लाल कवर वाली संविधान की यह कॉपी हमें द स्टेट्समैन की जुलाई 2017 में छपी रिपोर्ट में मिली। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति पद को संभालने के अगले दिन रामनाथ कोविंद पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे। इसमें छपी तस्वीर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी अपने हाथ में संविधान की एक कॉपी हाथ में लिए हैं। दरअसल गूगल पर कुछ कीवर्ड सर्च करने पर हमें पता चला कि लाल कवर वाली संविधान की यह कॉपी असल में संविधान का पॉकेट एडिशन है। इसे ईस्टर्न बुक प्रकाशन ने छापा है। इस किताब को ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने चुनावी मंचों पर जो संविधान की कॉपी हाथ में ली है, वो भारत का ही संविधान है। इसे चीन का संविधान बताकर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। पड़ताल की ये पूरी जानकारी आपके लिए हमारे साथी शुभम ने जुटाई थी। मैं हूं मनीषा और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।